अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के बेस्ट ड्रामा दीवानगी के न्यू एपिसोड का प्रोमो रिलीज कर दिया गया है, जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि रिदा सुल्तान दुरानी को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाएगी। जैसा कि आपने लास्ट कुछ एपिसोड्स में देखा कि सुल्तान खुद रिदा और उसकी माँ को इस बात का एहसास दिलाता है कि वो शादी करना चाहता है और वो अपना इंटरेस्ट रिदा में भी उनको दिखाता है, जिस पर रिदा और उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि रिदा को सुल्तान दुरानी पसंद करने लगा है। दोस्तों, अगर आपको ये दीवानगी ड्रामा पसंद है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आने वाले कुछ एपिसोड्स में रिदा का रवैया बहुत ही चेंज हो जाएगा अपने घर वालों के साथ और वो किसी भी कीमत पर सुल्तान दुरानी को हासिल करना चाहती है, लेकिन नगीन उसको बहुत समझाती है कि तुम नहीं जानती, सुल्तान दुरानी जैसे अमीर लोग अपना काम निकलवाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। रिदा ये भी कहती है कि क्या हो गया सुल्तान दुरानी ने अगर ज़िंदगी में मुझे एक बार बहन बोल दिया, आखिर में हम सब मुसलमान ही तो हैं, हम सब आपस में बहन भाई ही तो पहले लगते हैं, लेकिन मुझे इस बात का नहीं पता, मैं सुल्तान को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहती हूँ। नगीन उसे कहती है कि तुमने देखी है अपनी औकात, सुल्तान तुमसे शादी क्यों करेगा, हमारी इतनी औकात नहीं कि सुल्तान दुरानी जैसे अमीर लोगों के साथ हम शादी करें। नगीन हारून को भी इस बात पर समझाती है और उसे इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि सुल्तान दुरानी की इस सब के पीछे कोई ना कोई चाल लाजमी है, लेकिन हारून को बिल्कुल भी शक नहीं होता सुल्तान दुरानी और नगीन के रिश्ते के बारे में। दोस्तों, क्या रिदा आने वाले एपिसोड्स में खुदकुशी कर लेगी सुल्तान दुरानी के पीछे, क्या नगीन को सुल्तान हासिल कर लेगा, अपनी कीमती राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।